हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 3, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज, हमने बेसिकली अभी तक कितना पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था ये मेरिडियन वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन चीजों के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, डायग्राम ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में होता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे वो कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, हमें पता है कि ये जो है आपके अर्थ है, यहाँ पे क्या है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे क्या है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट ड्रॉ करूं अर्थ के ग्लोब पर, तो जो प्लेन आपका इस पॉइंट के थ्रू जाए और किससे जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाए, वो प्लेन कौन सा है आपका, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और एक ऐसा प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से होते हुए जाए, वो प्लेन क्या होगा आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। और तो आप यहां पे ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या करा, कुछ नहीं करा, एक डेमो तैयार करा है। तो लेट अस सपोज ये जो है ये आपके क्या है, मैग्नेटिक है, सॉरी ज्योग्राफिकल है, समझ पा रहे हो, ये आपकी क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक दूसरी एक्सिस ड्रॉ करता हूं जो कि हमारी ये, और ये क्या है आपकी, जो ब्लैक कलर से दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा होगा आपके कन्वीनियंट के लिए, मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ क्या, मेरे पास यहाँ पे एक रिबन है, तो मैंने जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसको ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक ये इवेंट बांध दिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो कलर वाला पार्ट है ये आपका मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक एक्सिस के लिए, और जो नॉर्मल है वो किसके लिए, आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस के लिए, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं अर्थ की सरफेस पर इस पॉइंट पर हूं, ठीक है, यहां पर, और मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर आप क्या करो, एक मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी सर, मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करना है, बड़ा इजी काम, कैसे करेंगे, ये एक प्लेन लिया और इस प्लेन को ऐसे ड्रॉ करा कि ये इस पॉइंट से भी जाए और साथ साथ, सॉरी अभी हम बात करते हैं पहले ज्योग्राफिकल मेरिडियन की, तो इस पॉइंट से भी जाए और साथ साथ ज्योग्राफिकल एक्सिस से जाए, तो ये क्या हो गया, आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ ये करा, तो आप देखो ये प्लेन नेल से भी जा रहा है जहां पर हमें फाइंड करना है, और साथ साथ इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से भी जा रहा है, तो अभी ये जो प्लेन है वो क्या है आपका, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करो इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, ऐसे प्लेन लोगे और अब चूज कौन से एक्सिस करोगे आप, मैग्नेटिक एक्सिस, तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ये मैग्नेटिक प्लेन में मैग्नेटिक एक्सिस को लेकर क्या करेगा, ये प्लेन ड्रॉ कर दोगे आप, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती थी आपके एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जो कि आप जनरली डायग्राम देख के नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे हम इस मॉडल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये हुआ आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हुआ आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर इन दोनों को साथ में ड्रॉ कर दिया जाए इस तरीके से, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये वाला आपका ज्योग्राफिकल, ये वाला मैग्नेटिक, तो यहां पे देखो एक एंगल ड्रॉ हुआ है, एक्यूट एंगल, और इसी एक्यूट एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्लियर बात हो रही है आप लोगों को, चलिए बहुत सही। अब हम सबको पता है कि क्या जो आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, उसी मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, कंपास हमेशा अलाइन होता है। अगर आप कोई भी 3D कंपास को
फ्री छोड़ दोगे कंपास को, फ्री लटका दोगे, तो जो अपने डायरेक्शन में जो अलाइन होगा वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, वो होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन में आप कैसे बताता हूँ, सपोज करो ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, नीचे वाला पार्ट साउथ है नाम के लिए, लेकिन हम सबको पता है क्या अभी, कि जो नीचे वाला पार्ट है वो पार्ट एक्चुअली कैसे ट्रीट होता है, नॉर्थ की तरह मैग्नेटिक नॉर्थ, और ऊपर वाला पार्ट जो होगा ट्रीट होता है मैग्नेटिक साउथ की तरह। तो अगर मैं अभी कुछ देर के लिए इस एक्सिस, पोलर एक्सिस और यू कैन से ज्योग्राफिकल एक्सिस को हटा दूं, ठीक है, अभी क्या बचा, सिर्फ ये मैग्नेटिक है। तो हमें पता है कि यहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और देखो ये जो पॉइंट पॉइंट होगा ना वो उसकी डायरेक्शन बताएगा, और वो इस तरीके से वो यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे एंटर हो जाती है, यहां से निकलेंगी और यहां से एंटर हो जाएंगी। तो आप देखो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के आउटवर्ड, और जैसे ही वो इक्वेटर को कवर करते हैं, इक्वेटर पे क्या हो जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल, और जैसे ही वो ऊपर वाले पार्ट में आते हैं, अपर हेमिस्फीयर में आते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है अंदर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ और यहाँ पे अंदर की तरफ। और यहाँ पे क्या होता है इक्वेटर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल अर्थ की सरफेस। ठीक है, अब देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये गई भी, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, और यहाँ पे जाके वो जा रही है इस सेंटर, इसके पोल में। ठीक है, तो यहां पे हम फिर से वही मॉडल उठाते हैं अभी, यहां पे आप ध्यान से देखना ये क्या है। देखो मैंने यहां पे M लिखा है एक जगह, आपको दिख रहा होता है ये, इस पार्ट पे क्या लिखा है, मैंने M लिखा है। तो आप देखो कि जब मैं एक मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करा जो कि इस नेल से पास हो रहा हो और साथ साथ इस एक्सिस से भी पास हो रहा हो, तो यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी नीचे की तरफ, समझ पा रहे हो, नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो अगर ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन और यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे की तरफ बी सी, तो ये हुआ आपका हॉरिजेंटल पार्ट जो अर्थ के प्लेन के पैरेलल है हॉरिजेंटल, और ये क्या हुआ आपका वर्टिकल पार्ट। तो हमें पता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हॉरिजेंटल पार्ट के साथ एंगल बना, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, और ये कौन सा प्लेन है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और जो हॉरिजेंटल पार्ट है वो क्या होगा बीई कॉस आई, और वर्टिकल पार्ट क्या होगा बीई साइन आई। अब हॉरिजेंटल पार्ट को हम एक नाम से डिनोट कर देते हैं, या तो हम बोल देंगे वी एच, या फिर हम बोल देंगे क्या एच ई। बी एच का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल, और एच ई का मीनिंग भी क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपके एनसीआईटी में ये वाला आइकन यूज होता है, ये वाला सिंबल यूज होता है। और वर्टिकल पार्ट कैसे दिखाते हैं, क्या तो वी वी बोले मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, या फिर क्या बोले जेड ई, जेड मतलब वर्टिकल और ई मतलब अर्थ, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, देखो भाई ये तो हुआ आपका क्या मैग्नेटिक मेरिडियन, और हम सबको पता है कि क्या होता है एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी तो होता है इस तरीके से, देख पा रहे हो। तो यहां पे होगा ये कि अगर मैं आपको डायग्राम लाके दिखाऊं, तो ये हुआ सपोज करो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इससे कुछ काम नहीं करना, ये फालतू की चीज। ठीक है, जो मेन काम आता है वो काम आता है आपका इस जो अभी ड्रॉ करा मैंने, ये फर्स्ट वाला प्लेन से पहले ड्रॉ करे ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और
और सेकंड वाला प्लेन ड्रॉ करो, कौन सा प्लेन है आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होता है इन दोनों के बीच का, ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक का, वो क्या होता है आपका? एंगल ऑफ डिक्लाइन। और यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बी सी, और ये होता है उसका हॉरिजॉन्टल जेड ई, और ये होता है उसका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होगा भी? एच ई, और वर्टिकल क्या होगा? जेड ई। और ये वाला एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से क्रिएट करती है, ये एंगल क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंक्लाइन। क्लियर बात हो रही है सबको? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में नहीं आया तो आप जब क्लास में आओ तो मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं और डिटेल में समझा पाऊं। तो इतनी बात समझ में आई है मैं। ये क्या बताया मैंने? जस्ट आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराए उस पर मैंने एक फिगर बनाया है, ये वाला फिगर, उस फिगर को एक्सप्लेन करा है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है आपका टेरेस्ट्रियल बिहेवियर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो, मतलब कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किस सरफेस पर, अर्थ की सरफेस से किस तरह से बिहेव कर रही है, तो उस तरीके से, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, वो पॉइंट आता है आपका न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं, सपोज करो ये मेरी क्या एक मैग्नेट थी, ठीक है, इसको मैंने यहां पे पकड़ के रखा, तो इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी बात क्या, अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है? वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होती है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वेक्टर सम के अकॉर्डिंग ऐड होगी। तो कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई? जीरो, ठीक है। अगर ये मैग्नेट हटा दूं मैं तो हर जगह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर ये मैग्नेट है और अर्थ की मैग्नेट भी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं पर जो जीरो आएगा, और उसी जीरो का क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो सबसे पहले देखो यहां मैं क्या करता हूं, ऊपर नॉर्थ है, मैं सिंबल इसलिए मैच कराना चाह रहा हूं ताकि जब आप क्लास में आओ या नोट्स पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, और यहां पे मैंने ड्रॉ करा एक मैग्नेट, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ, ठीक है। इतनी बात नहीं बात है। अब मुझे आप ये बताओगे एक चीज कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा? ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, तो आपको क्या लगता है किस जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो, सॉरी इन सिस्टम की मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो सकती है? तो जहां पे दोनों फील्ड अपोज करेंगे वहां पे जीरो होगी भी। अब देखो कैसे जीरो होगी। देखो यहां पर इन जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो इस जगह पर कहीं ना कहीं पे इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं ना कहीं पर क्या होगा? आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे आप बोलोगे इस जगह पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड आपकी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सीधा वर्टिकल, मैग्नेटिक हमारी वर्टिकल रखी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट इक्वेटोरियल पार्ट पे जो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड है वो सीधे सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड होगी, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड क्या? वर्टिकल अपवर्ड
तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, लेकिन अब जो मैग्नेट रखी हुई है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। यहाँ पे क्या थी, मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और अब जो मैंने मैग्नेट रखी वो कहाँ रखी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी, ठीक है, इस जगह पे। तो आप मुझे बताओ इस केस में कहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो हो सकती है, तो देखते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो क्या कहीं पर यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, क्या लगता है कहाँ पे होगी? यहाँ पे फाइंड करना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है देखो यहाँ पे, क्योंकि ये जो कर्व है, ये कर्व होता है, यहाँ पे क्या होता है इस तरह से, ये अगर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड देखे हो ये होता है, तो इस वाले केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बात हो रही है आप लोगों को? इस वाले केस में न्यूट्रल पॉइंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कहीं यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कभी भी दूसरे के अपोजिट में जा ही नहीं रही है। हाँ यहाँ पे जा रही है, मैं मानता हूँ यहाँ पे जा रही है, लेकिन ये जो पॉइंट, इन पॉइंट को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको थोड़ा सा अभी हम स्किप करेंगे, इसलिए स्किप करते हैं, क्योंकि इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस जगह पे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे और इस जगह पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो आप एक बार के लिए बोल सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेट के नीचे इन जगह पर न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जो अभी वाला केस बताया ये केस आपके लिए नेसेसरी नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब एक और केस लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो नॉर्थ ऊपर तो साउथ नीचे, अब मैं क्या करूंगा, नॉर्थ को नीचे करूंगा, साउथ को ऊपर करूंगा। इस केस में बताओ क्या न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? देखो यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था, क्या यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर किस जगह न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर करेगा, इस जगह पर, इस एक्सिस पर, क्योंकि सिर्फ यही एक्सिस ऐसी है जहां पे जो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर है, नीचे की तरफ है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे जो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो कहां पर करेगा, इस एक्सिस पर, ठीक है। यहां पे क्या था, मतलब एक्सियल पॉइंट पे, तो यहां पे कहां पे कर रहा था वो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। चले इसका आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, कि जो मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, चलो हमने माना कि यहाँ पे मैग्नेट की डायरेक्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा अगर किसी ने, तो यहाँ पर भी ऊपर वाले पार्ट में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की, वो देखो नीचे की तरफ है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्सिस में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब पक्का वाला बात,